हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय तर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले क्लास वन हिंदी टेस्ट नंबर वन रिवीजन वर्कशीट ऑन वर्णमाला। तो हमारी अ से वर्णमाला से अ से ए तक ऑल मात्रा के ऊपर वीडियो मेरे चैनल पे है। तो आज हम वर्णमाला के ऊपर टेस्ट देखने वाले हैं, उसके क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, यानी कि मैं मेरे न्यू वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ये वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन विथ आंसर है। तो आप घर पर ही बच्चों को कैसे टेस्ट निकाल के दिए, तो देखो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट देखो नीचे दिए गए स्वरों को सही क्रम से लिखे, तो यहाँ उल्टा पुल्टा करके स्वर लिखे हुए हैं। तो बच्चों को ऐसा क्वेश्चन बनाकर अब दे दो और उनको बोलो सही क्रम से लिखो। तो फर्स्ट क्या आएगा सही क्रम से लिखने के लिए, तो फर्स्ट आएगा अ से, तो अ से आता है, अ से अनार के बाद आता है आ से आम, ई से इमली, ई से ईक आएगा, ई से ईक बाद आएगा उसे छोटी ऊ आएगी, फिर बड़ी ऊ आएगी, फिर रू से रूसी आएगा, फिर ए से एडी आएगा, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत आएंगे, ए क्रम से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सही का निशान लगाइए, हिंदी वर्णमाला में स्वर डैश डैश है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11 है, 33 है या 2 है, तो कितने हैं, 11 स्वर है, तो 11 के ऊपर हम टिक करेंगे। हिंदी वर्णमाला में डैश डैश व्यंजन है, तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। अ तथा आह स्वर नहीं डैश डैश है, तो क्या है, आयोगवाह है, व्यंजन है, तो अम और आह क्या है, आयोगवाह है। क्षत्र और ज्ञानी को डैश डैश व्यंजन कहते हैं, तो उष्म व्यंजन कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो क्षत्र और ज्ञानी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखो रिक्त स्थानों पर सही क्रमानुसार व्यंजन लिखे, तो यूकेजी में तो सारे व्यंजन बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, तो उनकी यहाँ पे टेस्ट लेने से उनको अच्छे से समझ में आएगा, मतलब टेस्ट लेने के बाद ही पता चलता है बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता है। तो यह देखो क ख, यहाँ ग आएगा, यहाँ च से चम्मच, छ से छाता, ज से झाज आएगा, ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ध से ढक्कन आएगा, न से बान आएगा यहाँ पे, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष और यहाँ न से नल आएगा, प से पतंग, फ से फल, ब से बथक, भ से भट्टी, म से मछली, यहाँ क्या आएगा, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सफेरा और यह ह से हाथी आएगा। यहाँ क्या आएगा, क्ष से क्षत्रिय आएगा। तो यह हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए, तो सही मिलान करना है अक्षर के साथ, अ से अनार, ज से जहाज, प से पतंग, ट से टमाटर, म से मछली। तो सही मिलान कीजिए, यह कुछ पिक्चर दिए हुए हैं तो हमें मिलाना है, चित्र पहचान कर सही मिलान कीजिए। आ से आम, अम से अंगूर आएगा, क से कमल और ग से गमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र से संबंधित वर्ण को गोल कीजिए, तो ये कौन सा पिक्चर है, क से कमल, तो हम क से कमल ये व्यंजन को गोल करेंगे। नेक्स्ट वन पिक्चर कौन सा है, ल से लट्टू है, तो हम लट्टू से गोल करेंगे।
देखो न से नल है तो न को हम गोल गोला लगाएंगे। ये क्या है, ब से बरगद का पेड़ है, यहाँ पे तो हम बरगद के पेड़ को गोला लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम का पहला अक्षर लिखो। तो ये क्या है, ख से खरगोश, तो बच्चों को यह खरगोश लिखने के लिए बोलो ऐसे पिक्चर दिखाकर। ये र से रथ का पिक्चर है तो यहाँ र से रथ लिखो। यह छ से छाता है तो यहाँ उन्हें पहला अक्षर लिखने के लिए बोलो। घ से घर, फिर देखो ये प से पतंग, न से नल, फ से फल है तो बच्चों को बोलो किसका पिक्चर है, तो बच्चे बोलेंगे फ से फल। ये ड से डमरू, म से मछली है तो यहाँ पे लिखने के लिए बोलो म से मछली। ल से लट्टू है, लट्टू का पिक्चर है। ब से बतख है और ये क्या है, हवाई जहाज है तो हम यहाँ पे ह से हवाई जहाज लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर के अनुसार चित्र में रंग भरो। तो ये म है तो ये क्या है, सेप है। म से मछली है तो मछली को बच्चों को कलर करने के लिए बोला ऐसे पिक्चर निकाल के, तो बच्चे करेंगे। ये नेक्स्ट वाला पिक्चर क्या है, आ से आम, तो आम को कलर करने के लिए बोलो। क तो क से यह क्या, ये छाता है, ये पत्ता है, ये टमाटर है तो क से किसको कलर करेंगे हम, केले को कलर करेंगे। जिस ज से क्या है, तो यहाँ जग है तो जग को कलर करने के लिए बोलो। और त से तरबूज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।